अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या सिखा रहे हैं, वो अम्मा मन खौफ़ मकाम रब्बिही। हाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने से कब, वो आखरत का एक दिन आने वाला है, जो डर गया और उसने क्या किया, अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोक दिया, ये वो शख्स है। फाइनल जन्नत है अल्मावा, ये जन्नत उसके लिए, दैट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ यू वॉन्ट टू क्लेम दैट मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी सल्लम का उम्मती हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अब्द हूँ, उसके एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नबी सल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इंसान के अंदर से दो किस्म के इम्पल्सेस उठते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इट्स ऑल अबाउट इंटरनल्स। दो किस्म के इम्पल्सेस उठते हैं, एक दैट कॉल्स यू टूवर्ड्स गुड, अंदर से नेकी की वो अंदर से तलब पैदा होती है, एंड कन्फर्म्स द ट्रुथ। कन्फर्म्स द ट्रुथ के साहबी पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा सही क्या गलत क्या है, ये नहीं पूछा मुफ्ती से पूछो, हाँ askmufti.com, हाँ मोइन को मैसेज करके पूछो, इस्तफ्तिया कल्बिक, दिल से पूछो। अगर दिल मुतमइन है तो काम करो, लेकिन अगर दिल के अंदर बेचैनी है, डाउट है, गड़बड़ है, तो वो इम्पल्स क्या करती है, कन्फर्म्स द ट्रुथ। ऊपर था कि जो इसको पाए उसको अल्लाह की तरफ से समझे और उस पर अमल करे। और जो दूसरा इम्पल्स है वो कहना कम्स फ्रॉम द एनिमी, वो नफ्स भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, विच क्रिएट्स डाउट्स, शको शुभात। इसीलिए आपने शक से भी पनाह मांगी दुआ में, क्योंकि ये शक क्या करता है, ये मुतज़लज़ल ना इंसान हिल जाता है, एक दफ़ा डाउट आ जाए किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, हाँ चाहे वो आपका काम है, तो वो डाउट इज क्रिपलिंग। तो आपने कहा कि वो शक आ जाता है, और फिर दैट लीड्स यू टू डिनाई द ट्रूथ, एंड देन इट फॉरबिड्स यू फ्रॉम डूइंग द गुड। अगर ये वाला मामला हो तो फिर अल्लाह से पनाह मांगो।